अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एयर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और काफ़ी टाइम से मेरा जो है व्लॉग अपडेट नहीं हुआ था, बिकॉज़ उसमें कुछ इशू था। इशू ये था कि जब पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच था, तो मैं और मेरा कज़न हम गए थे जाके मैच वगैरह देखने, तो उन्होंने जो मेरी वीडियो उस पर कॉपीराइट दे दिया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा यार क्या मसला, इतनी वीडियो बनाओ, मेहनत करो, ऊपर से कॉपीराइट आ जाए। और देन अब इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू किया अपने ब्लॉग को, और अभी हम स्नूकर खेलने लगे हैं मैं और मूसा, तो स्नूकर टाइम। सो इंशाल्लाह आपको साथ साथ दिखाते हैं गेम। ले जी, फर्स्ट स्नूकर फ्रेम है और फर्स्ट स्नूकर फ्रेम की फर्स्ट शॉट। अच्छा हो गया। ले जी मूसा भाई को स्नूकर लगाते हुए, और ये देखें। Too easy for me, bro. उसकी बारी टूट जाता है। 7 स्कोर के साथ मूसा अभी तक लीड में जा रहा है, तो देखते हैं क्या बनता है, कौन जीतता है और कौन हारता है। हाँ जी, फाउल नहीं हुआ, चेक करवा दूं। एक बार फिर मूसा को स्नूकर लगाते हुए, और ये जो लगा है भाईजान ग्रीन का स्नूकर है, और ये फुल हैवी ग्रीन का स्नूकर लगा है, और ये पक्का एल्फी के साथ लगाया है। स्मरता मैंने ये नहीं टूटता, देखते हैं। मैं तेरा ना, 3 बॉल्स और 11 स्कोर है मूसा का, देखते हैं। 11 तो 11 ही कहते हैं उसको, 11 स्कोर। 11 क्यों ना कहूँ, मैंने 11 कहा है, 11 भाईजान 11 स्कोर है, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। चलो देख लेते हैं। ये भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देखते हैं कौन जीता है कौन नहीं। यार शॉट क्यों नहीं लग रहा मेरे से सही। ऑटोमेटिकली स्नूकर लग गया भाई साहब, अब देखते हैं। मैं तो कुछ किया भी नहीं, खुद ही स्नूकर लग गया है। लैग पे फैसला आ गया, आप देखो क्या बनता है। यार मिस हो गया, बस कर जा भाई, बस कर जा। चलो देखते हैं क्या बनता है। यार क्या यार, सीधा शॉट नहीं जा रहा। बया मूसा कट रहा है, ये चला गया तो मुझे फ्रेम हो जाना। ओए बच गया। यस यस यस, इन द वन फ्रेम, इन द वन फ्रेम। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यस भाई जान, इसे कहते हैं लक। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, एक ही फ्रेम खेलना था, खेल लिया, भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा चलो कुछ चल के खाएं। अब हम आगे हैं हॉट एंड स्पाइसी, और इनसे हम खाएंगे पराठा रोल, जो कि मुझे पसंद है, और उसमें बेसिकली अच्छा होता है और चीज़ वगैरह भी होता है, मलाई पराठा चीज़ रोल। सो आप नहीं खाएंगे? मूसा नहीं खाएगा, सिर्फ मैं खाऊंगा। तो अब जैसे ही खाना आता है फिर आपको दिखाते हैं। खाना आ चुका है, ये है जी हॉट एंड स्पाइसी का पराठा रोल। इशू ये हुआ कि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी सही। बाद में यूँ मुझे याद आया कि मैं वीडियो बना लूँ, और अभी आधा रह गया। तो बस अब हम जा रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड। किधर जा रहे हैं मुसम? 5th जनरेशन। 5th जनरेशन वहाँ पे थोड़ी सी क्रिकेट शिकेट खेलनी है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको वहाँ जाकर उस जगह का व्यू दिखाते हैं।
जी तो ये है फिफ्थ जनरेशन, यहाँ पे मतलब कि अभी हम मैच वगैरह खेलेंगे, नेट वगैरह लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग है यहाँ पे, तो पता होगा सारों को इसका फिफ्थ जनरेशन का, तो मिलते हैं मैच के दौरान। मैच का स्टार्ट करते हुए हमारी बैटिंग है और अभी हम बाहर हैं, दो ओवर और 16 स्कोर हो चुका हुआ है, टीम हमारी अभी मैच खेल रही है, तो देखें क्या बनता है, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा स्कोर हम अचीव करेंगे। मुसा आउट हो चुका है, अब हमारी बारी और 45 टू विन है। शहजोर फर्स्ट बॉल करते हुए, बेशक लग गई, तू रन कंप्लीट करना, बेशक लग गई है, गुड प्ले, गुड प्ले भाईजान, गुड प्ले, लेकिन फिनिश करना चाह रहा था ना लड़का। एक मैच हम जीत चुके हैं, मुसा जी बताएं आखिरी ओवर किसने किया है? आखिरी ओवर किया था आपके भाई ने, पर मसला ये हुआ कि वीडियो नहीं कोई बना सका, तो और जीत चुके हैं मैच। अब ये सेकंड मैच चल रहा है, थर्ड मैच चल रहा है, दो मैच हम जीत चुके हैं और दोनों मैच के आखिरी ओवर जो है मैंने खुद किए हैं, और इजीली मैंने मतलब के जो टारगेट एक ओवर में टारगेट आ गया था 7, वो लास्ट ही प्लेयर था उसको मैंने आउट कर दिया, वो मज़ा आया, सारों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और बस अब लास्ट मैच चल रहा है, तो इंशाल्लाह इसका भी लास्ट ओवर में फील्डिंग मैं नहीं कर रहा बिकॉज मेरा लेग का थोड़ा सा इशू था, इसमें लास्ट ओवर चल रहा है और इसमें 42 टू विन है, और अब देखें क्या बनता है, लास्ट ओवर है, एक मतलब ये लास्ट ओवर है, एक पे 7 चाहिए, तो देखते हैं क्या बनता है। हम जा रहे हैं घर और मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुए हैं, तीन मैच हुए हैं टोटल, और उसमें से दो मैच हम जीते हैं, और उसके बाद लास्ट जो मैच था उसके एक ओवर में एक स्कोर रह गया और उन्होंने आखिरी बॉल दे दी, मतलब कि आखिरी ओवर दे दिया मुझे, 4 बॉलें आपके भाई ने बीट की हैं, और फिर आपको पता है कि सिंगल तो एक ना एक निकल नहीं था, तो जो 5वीं बॉल थी उसके ऊपर सिंगल निकल गया, तो बहुत वो भी हार्ड मैच हुआ है, बहुत अच्छे मैच हुए हैं, सो इंशाल्लाह बस अब हम घर जा के व्लॉग को एंड करेंगे। अब आ चुके हैं घर और मुंह हाथ वगैरह धो लिया है, बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं, तो मुझे जीती इजाज़त, आपका अपना भाई अब्दुल्ला रियाज, मेरा चैनल एयर व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।